दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज इस एपिसोड में बात होगी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर। यह जो आप खूबसूरत नज़ारा तस्वीरों में देख रहे हैं, यह नज़ारा राजधानी दिल्ली में स्थित रामलीला ग्राउंड का है। आपको एक बार बता दें कि जहां तक कैमरा पहुंच रहा है वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। यह भीड़ मानो उस दिन की याद दिला रही है जैसे कि अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बता दें कि यह भीड़ पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लेकर है। यहाँ पर पूरे देश से सरकारी कर्मचारी जुटे हैं। दिल्ली की सड़कों पर अटेवा और पुरानी पेंशन की टोपी पहने शिक्षक और कर्मचारियों की भारी भीड़ ग्राउंड में जुटी। यहाँ नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले रविवार को पेंशन शंखनाद महारैली दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे देश भर से शिक्षक और कर्मचारियों ने शिरकत की। पेंशन शंखनाद रैली को संबोधित करने के लिए तैयार हुए मंच पर CAPF जवान ड्यूटी पर थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों कर्मचारियों ने NPS निजीकरण भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो, अटेवा जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। एक बार आप यहां की बुलंद आवाज को देखें। सारे भाई और बहनों, हम और कुछ नारे लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार नारेबाजी हो रही है और लाखों की संख्या में भीड़ दिल्ली में स्थित रामलीला ग्राउंड में दिखाई पड़ रही है। वास्तविकता में यही खूबसूरत लोकतंत्र की है। यहाँ पर अहिंसात्मक तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की तीव्र आलोचना भी हो रही है। अलग राज्यों के कर्मचारियों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। इस दौरान जो OPS बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, ऐसे आंदोलनकर्ताओं ने नारे लगाए और टी शर्ट टोपी पहनकर अपनी आवाज उठाई। यहाँ पर एक बात आपको समझना जरूरी होगा कि पेंशन शंखनाद रैली को समर्थन देने के लिए सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का तांता लगा रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपंकर भट्टाचार्य महासचिव भाकपा वाले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली से विधायक अरविंदर सिंह लवली, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय कुमार लल्लू, सपा MLC लाल बिहारी यादव, डॉक्टर मान सिंह यादव, राजीव डिमरी महासचिव ACT-2, पुरुषोत्तम शर्मा राष्ट्रीय सचिव किसान महासभा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अजय सिंह, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकत ने इस पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन किया है। इसी प्रकार अटेवा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के कई कार्यकर्ता और संबंधित नेता यहाँ पर भी उपस्थित रहे हैं, इसमें शिक्षक और कर्मचारी थे। दोस्तों, इस वीडियो को आप जमकर शेयर करेंगे हमें ऐसी उम्मीद है, और साथ ही इन लोकतंत्र के सच्चे सिपाहियों की आवाज़ को बुलंद कराने में मदद करेंगे। इस खबर को आप शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी। शुक्रिया।